4 डे इन दुबई, तो आज मुझे जाना है अबू धाबी। तो मैं कल जिसके साथ घूम रहा था तो मैंने वो काफ़ी जगह मुझे दिखाया, फिर उसके बाद मैं वापस आया तो ऐसे पूछा कि आप कल क्या कर रहे हो, क्या प्लान है आपका। बोला कि नहीं, मुझे ऐसे अबू धाबी जाना है और वहाँ पे एक बड़ा मोस्क है तो वो देखना है। तो उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी जहाँ पे वो भाई साहब काम करते हैं, उन लोग का गाड़ी का बिजनेस है, हर टाइम हर जगह से गाड़ी इधर उधर बेचते रहते हैं। तो उसने मुझे बोला कि एक काम करो, हमारी गाड़ी जा रहा है, आप उसमें बैठ जाओ, आपको वहाँ तक ड्रॉप करेंगे। तो बढ़िया, मुफ्त में एक ट्रिप मिल रहा है तो ना क्यों बोलूँ। उन्होंने बोला ठीक है, आ जाता हूँ। और ऐसे हालत में यहाँ पे बसेस तो है अबू धाबी के लिए, फ्रीक्वेंट बसेस चलते रहता है, लेकिन ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा। एक इन लोग की ट्रक में जाने वाला हूँ मैं। आंखें पूरे खोल नहीं पा रहा हूँ, इतना धूप है। कुछ अब है पीछे, लेकिन इसका एंट्रेंस यहाँ पे नहीं है, मुझे ऐसे घूम फिर के जाना पड़ेगा। तो वहाँ से भाई से पूछा, बोले कि सर गो स्ट्रेट एंड टेक अ राइट। तो चलो देखते हैं कितना राइट लेना पड़ेगा मुझे। बहुत बड़ी गलती किया, चश्मा वश्मा नहीं लिया। अरे यार आँखें खोल नहीं पा रहा हूँ मैं, इतना धूप है। गर्मी नहीं है, धूप है, बहुत धूप है। और इतना बड़ा महल बना के रखा है इन लोग यहाँ पे, तो पता नहीं कौन से एरिया से मुझे अंदर जाना है। बस हर जगह पे लिखे रखा है ये थ्रू है वो थ्रू है, देखते हैं कितना जाना है, कहाँ तक जाना है। यहाँ से पता भी नहीं कि बस स्टेशन कैसे जाना है, कौन सा गया है यहाँ पे। और देखते हैं कम प्राइस से मैं कैसे घूमेंगे यहाँ पे। टैक्सी से तो लूँगा नहीं मैं, पैदल है तो चलो पैदल निकलेंगे। इस पर तो एंट्रेंस पता नहीं कहाँ पर, शायद सामने मिलेगा वहाँ पर। बहुत सारा गाड़ी, बहुत सारा टूरिस्ट लोग सब आ रहा है, पता नहीं कहाँ से कैसे। तो पसीना निकलना भी छूट गया और ऊपर से मैंने इतना बड़ा लंबा कपड़ा भी पहन के रखा हूँ। आई थिंक शायद आ गया मेरे सामने, शायद मिल गया एंट्रेंस, यही है। सो बिकॉज आई वॉज हियर लास्ट 2 years बैक एंड दोस बिल्डिंग्स वर नॉट देयर। बसेस का इंतज़ाम भी हो गया, यहाँ से सीधा बसेस चलता है, यहाँ से सीधा बसेस चलता है अबू धाबी स्टेशन तक, फिर वहाँ से मुझे जाना पड़ेगा दुबई। अरे यार देख के चलो यार, यहाँ पे बड़े 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 देखो सामने से क्या आ गया। चलो हाँ, पहली बार अकेला घूम रहा हूँ, नहीं अकेला तो घूमते रहता हूँ फिर भी, हाँ कभी कभी दोस्त लोग साथ रहते हैं, लेकिन इस बार कोई नहीं है साथ, अकेला घूम रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। 2 साल पहले मैंने यहाँ पे आया था, ये सब चीज़ बनाया नहीं था, सीधा जहाँ से मैंने आया था सीधा एंट्री लिया, तो मुझे आज के थ्रू जाना पड़ेगा अंदर। और देखते हैं कैसा है क्या है अंदर, कुछ देसी भूख भी लगा है, मैंने कुछ पैक करके लेके आया है, यहीं कहीं बैठ के खा लेता हूँ पहले, भूख लगा है मुझे। और गाइस जब भी आप कोई मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन जगह पे जाते हो, ऑलवेज कैरी योर फूड, क्योंकि वहाँ से खाना खरीदना थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। एक लेबनीज ब्रेड है जो मुझे मिला था करीबन 1 रुपये में, लाइक 5 मिला था, कुछ मायोनेज मिक्स किया और एक अंडा डाला और 2 ड्रम्स का एक जूस। तो यहाँ से शायद एक्सपेंसिव हो सकता है खाना, इसलिए मैंने पैक करके लेके आया था। पेट पूजा भी हो गया, 2 साल में बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पे, इतना ज़्यादा कमर्शलाइज तो थे फिर भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो ये कहीं से मुझे एंट्रेंस पास लेना है, तो पता भी नहीं कि कहाँ से लेना है मुझे। वर कैन आई गेट द एंट्रेंस पास, थैंक यू। चलो यही है यहाँ का फोन, कैसे बरते हैं, इंडियन का भाई, इंडिया का है, इंडिया का है, इंडिया का है, इंडिया का है, आ गया भाई। जेंडर है मेल, एज 13 to 24,
I'm a tourist, Emirates, stays in Dubai. Are you visiting with a daughter operator? No. Chalo bhai, sab akela ghumta hu main. Koi tour operator ke saath nahi. Chal, submit your tickets. Aa gaya. Abhi chhod. Aa gaya. 2 minute bhi nahi laga. Mil gaya ticket. क्या क्या है घूमने के लिए मुझे खुद ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है क्योंकि लास्ट बार जब आया था बस एक मोस्क ही दिखा था बाकी सब कहाँ पे पता ही नहीं था ये सब चीज़ बहुत जल्दी बना दी अरे देखो पीछे क्या है कुछ खरीदूंगा तो नहीं मैं लेकिन देखूंगा जरूर और गलती से भी मैंने ये जो स्टोर से कुछ ना कुछ तोड़ दिया तो हो गया मुझे खुद यहाँ पे भेजना पड़ेगा इतना ज़्यादा महंगा है हर चीज़ फिर गलत रास्ते पे गया मैं गया वहाँ लेकिन वहाँ बाकी जाना था यार घूमता हूँ हर लोग इस तरफ जा रहा था तो मुझे लगा कि हाँ भाई सब लोग घूमता हो गए तो मैं भी जाता हूँ यहाँ पे लेकिन नहीं है वहाँ पे नहीं है वो एक जगह पे 10 मिनट खड़ा रहा फिर बाद में पता चला कि वो जो क्यों था वो बाथरूम के लिए था तो यहाँ पे एक और चीज़ है यहाँ पे जब भी लोग आएंगे यहाँ पे स्पेशली ख़ास तौर पे लड़कियाँ तो आप जैसे भी कपड़े पहन के हो यहाँ पे आपको एक बुरखा दिया जाता है फ्री में और यहाँ पे फॉरनर्स सब लोग बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो उन लोग कुछ अपने तरीके से कपड़े पहन के आते हैं लेकिन यहाँ पे सबको एक बुरखा दिया जाता है क्योंकि मस्जिद के अंदर है तो इसलिए सबको एक बुरखा दिया जाएगा आप पहन के आप अंदर जितना मर्जी घूम सकते हो फिर वापस आके जब आप एक्सिट पे जाओगे वहाँ पे आपको उसको वापस देना पड़ेगा वेरी सिंपल और घूमते घूमते फाइनली पहुँच गया मैं भी तो हूँ मैं कहाँ मुंबई मुंबई वाला मिल गया यहाँ पे देखो कैसा लगा आपको यहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा है बहुत इंडियंस है मैं गुजराती फैमिली को देखा यहाँ पे बहुत लोगों को देखा यहाँ पे Right now, I have with this handsome gentleman and his beautiful wife. So, tell me something about this. Do you like this building? It's an absolutely fantastic building. The craftsmanship is second to none. The marble and the quality of the inlay flooring is absolutely super. In terms of civil engineering, the building probably not that challenging, but the finishes on it are absolutely fantastic. Absolutely beautiful. The craftsmanship to put the flooring in, the marble, the inlay is absolutely fantastic. And he just told me that Burj Khalifa is much difficult to construct. Yeah, he'll tell you. Yeah, a big tower like the Burj Khalifa, very difficult for the building services, how you get your water, how you keep it cold, how you keep it warm. Very, very challenging. The higher you go up, the harder it is in building services. So the Khalifa, very challenging building. And he never been to India, so I just told him about the Taj Mahal. So looking forward to going to India, a mystic country. Love absolutely it. Absolutely fantastic to visit it, surely. You'll love it, you should visit soon.